हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो सीधा दिल्ली के साउथ कैंपस थाने से आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने LLB गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 29 जुलाई की रात को पीड़ित ललित भोला अपने तीन दोस्त अरविंद शर्मा, नवीन और जितेंद्र के साथ सत्या निकेतन स्थित अपने पुराने दोस्त तुषार से मिलने के लिए गया था, जहां पर सभी बैठकर खा पी रहे थे। इसी दौरान ललित भोला ने अपने आरोपी दोस्त ललित के बारे में पता करने के लिए फ़ोन लगाया। उस वक्त ललित भोला शराब के नशे में था। आरोपी ललित ने भी दूसरी तरफ से शराब पी रखी थी। आपको बता दें कि शराब के नशे में दोनों के बीच फ़ोन पर गर्मा गर्मी बहस होने लगी। दोनों एक दूसरे से टू टू मैं करने लगे। तभी आरोपी ललित हथियार लेकर सत्या निकेतन बाजार पहुंचा, जहां पर ललित भोला मिला। ललित ने अपने रिवॉल्वर से दो राउंड गोलियां चलाई और फिर वहां से फरार हो गया। आपको बता दें वारदात के बाद फरार आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 50 पुलिसकर्मियों की 10 टीमें बनाई, जिस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली के सटे गुड़ग्राम से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है आपका? ललित। ललित, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली मोतीबाग। अच्छा, आप नेशनल कुश्ती के प्लेयर हैं। कितनी बार अवार्ड कहाँ कहाँ मिला आपको? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 तक है हरियाणा स्टेट में और नेशनल में। तो ये इंडिया से बाहर या सिर्फ इंडिया? नेशनल तक। किस कंट्री के साथ? किसके साथ खेले? हरियाणा की टीम से। और बस हरियाणा स्टेट। अच्छा, आप इससे पहले कितनी बार बंद हुए? इससे पहले एक दो बार। अच्छा, तो आपने क्यों मारा गोली? चार पांच लोग थे, उन्होंने घेराव कर लिया था, उन्होंने वेपन निकाला, उन्होंने गोलियां चलाई। तो आपने अपने गोली चलाया? हमने बचाओ। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं, घर ही रहते हैं, ट्रांसपोर्टर थे पहले। कैंपस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, पूरा क्या मामला है सर, कितने केस हैं उस पे? देखिए, 29 तारीख की रात में एक वारदात हुई थी जिसमें एक आदमी को दो गोली मारी गई थी, तो तुरंत FIR दर्ज करी गई थी 307 IPC और आर्म्स एक्ट में। पुलिस ने बहुत मेहनत से इस केस पे काम करना शुरू किया। अक्यूज जो था शुरू में भाग गया था, तो हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और जो बीट लेवल पे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज़ किया और फाइनली हम उसको पकड़ पाने में कामयाब हुए। आरोपी का नाम क्या है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो नेशनल स्तर का परवाने का भी कर चुका है? देखिए, आरोपी का नाम ललित है, 29 साल का है। तकरीबन 6 मुकदमे हैं इस पे पहले। कभी एक ज़माने में रेसलिंग किया करता था, पर 2010 से इसके ऊपर मुकदमे रहे हैं और ये इस ऑफेंस में 307 का इसके ऊपर अब केस लगा है। कब से पहला मुकदमा इस पे कब पहुंच गया? जैसे मैंने बताया 2010 में। तो सर, ये जो है क्या बरामद इससे हुए अभी तक? देखिए, जो वेपन था वो बरामदी हो चुकी है और बाकी काम तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी का है। हम जो वेपन रिकवर हुआ है उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करेंगे उसका, ताकि एक बहुत मजबूत केस बनाया जा सके इसके खिलाफ।